हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आप देख रहे हैं मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉपिंग कार्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने विशलिस्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया था और इसमें हम लोग देखेंगे शॉपिंग कार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ये हमने विशलिस्ट का आइकन दिया था, अब यहीं पे हम लोग एक आइकन देंगे कार्ड का, राइट। तो चलिए अपने हेडर को ओपन करते हैं। हेडर कंपोनेंट में जाएंगे और जहां पे हमने एक विशलिस्ट का कार्ड दे रखा है, ये यहीं पे हम लोग एक और कार्ड देंगे जो होगा हमारा शॉपिंग कार्ड। ये आइकन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा शॉपिंग कार्ट आ गया। और इसको हम लोग देते हैं व्हाइट कलर में, इसका कोई कलर नहीं रखेंगे, टेक्स्ट व्हाइट। अब हम लोग एक कार्ड पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें जनरेट करना है कंपोनेंट शॉपिंग कार्ट। हम लोग इस कंपोनेंट की राउटिंग करेंगे अपने ऐप डॉट राउट फाइल में। तो जैसे हमने ये विशलिस्ट की राउटिंग कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग कार्ट की राउटिंग करेंगे कार्ट। और यहां पे आएगा हमारा शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट। हेडर में जाएंगे, इसका रिडायरेक्ट यूआरएल अपडेट करेंगे कार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं, राउटिंग को चेक करते हैं। मैंने शॉपिंग कार्ट पे क्लिक किया, इसने मुझे शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, अब हमको इम्प्लीमेंट करना है ऐड टू कार्ट बटन को। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने शॉपिंग विशलिस्ट के लिए डेटा बेस क्रिएट किया था, यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी हम लोग ऐड कर रहे थे, सेम टू सेम हम लोग एक कार्ट डेटाबेस भी बनाएंगे जो कि हमारे पास है, क्योंकि केवल हमें प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से स्टोर करनी है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम लोग स्टोर करेंगे, क्वांटिटी, ओके, जो कि हमारा नंबर टाइप का होगा। इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप हम लोग ऐड किए हुए हैं कार्ट में, ये हम लोग और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, राइट। इसके अलावा क्या चीज हो सकती है ऐड, आई थिंक ओनली दिस। अब हम लोग एक हैंडलर क्रिएट करेंगे शॉपिंग कार्ट हैंडलर। अब यहां पे हम लोग अपना कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो कार्ड कंपोनेंट नहीं, मॉडल रिक्वायर अब हम लोग यहां पे फंक्शन बनाएंगे कार्ट में आइटम को ऐड करने का। ओके, तो यहां पे एड टू कार्ट, ये हमारा फंक्शन हो गया। हमें चाहिए क्या, यूजर आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी चाहिए, ओके। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट इस यूजर आईडी के लिए हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एडेड तो नहीं है। तो देखते हैं, लेट प्रोडक्ट और फाइंड करेंगे कार्ट में, फाइंड फाइंड वन करेंगे और यहां पे हम लोग यूजर आईडी में यूजर आईडी एज ए फिल्टर प्रोवाइड करेंगे
और प्रोडक्ट आईडी का फिल्टर लगाएंगे। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी का हमारा फिल्टर हो गया, इसको अवेट करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है अगर हमारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी हमारे कार्ट में अगर ऐड है तो हम क्वांटिटी को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट न्यू कार्ट, इसमें हम लोग बनाएंगे यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। अदरवाइज अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कार्ट डॉट अपडेट फाइंड वन एंड अपडेट फाइंड वाई आईडी एंड अपडेट, इसमें हम लोग प्रोडक्ट की आईडी प्रोवाइड करेंगे, कार्ड की आईडी, राइट, लाइक दिस। और यहां पे हमें अपडेट क्या करना है, ओनली क्वांटिटी अपडेट करेंगे, ठीक है, जो न्यू क्वांटिटी हमने यहां भेजी है वही क्वांटिटी यहां पे हो जाएगी। या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं या तो जो हमने यहां पे भेजा है वही डायरेक्ट पूरा अपडेट कर सकते हैं। ये हम लोग चलो अपडेट कर देते हैं, ऐड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी पहले उसमें हम लोग अपनी न्यू क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, और इसको वेट करेंगे। और यहां इसको प्रोडक्ट डॉट सेव करना है हमें। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट कार्ट को ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे रिमूव, तो रिमूव के लिए सेम टू सेम हम लोग कॉपी करते हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट करने के लिए हमें क्या क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट और यूजर आईडी चाहिए। और इसको हम लोग हटाएंगे, रिमूव करने के लिए क्या होगा, फाइंड एंड डिलीट, ओके, इस तरीके से हमारे कार्ट से ये आइटम डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमें पूरे किसी हमारे कार्ट में कितने आइटम हैं टोटल वो रिटर्न करने हैं तो गेट कार्ट, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूजर आईडी चाहिए, किसी यूजर आईडी में कार्ट में कितने आइटम हैं सारे रिटर्न करने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट करेंगे फाइंड कार्ट डॉट फाइंड, इसमें हम लोग अपना यूजर आईडी एज ए फिल्टर प्रोवाइड करेंगे। और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, इस प्रोडक्ट्स को रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब यहां पे भी हमको पॉपुलेट करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने किया था,
इस लिस्ट में। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए। पॉपुलेट का यूज हम लोग ज्वाइन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो प्रोडक्ट का एरे रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा हैंडलर क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे राउटिंग। ओके, तो जैसे हमने विश लिस्ट के लिए यहाँ पे बना रखा है, सेम टू सेम हम लोग कार्ट के लिए बनाएंगे गेट एपीआई पहले। तो यहाँ पे कार्ट्स और यूजर आईडी हम निकालेंगे अपने रिक्वेस्ट से, और यहाँ से गेट कार्ट, या गेट कार्ट करने के लिए पहले हमको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे अपने मेथड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट गेट कार्ट, इसको रखते हैं गेट कार्ट आइटम्स। ओके, आइटम्स एड टू कार्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये तीनों मेथड हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट गेट कार्ट फ्रॉम रिक्वायर हैंडलर्स शॉपिंग कार्ट हैंडलर। ओके, ये हमने अपना फंक्शन इंपोर्ट कर लिया है। कार्ट आइटम्स ऐड टू कार्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये तीनों फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए, इंपोर्ट कर लिए, राइट। अब इसको हम यहाँ यूज करते हैं गेट कार्ट आइटम्स। जब हम यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे तो सारे आइटम्स हमें रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पोस्ट बनाएंगे ऐड करने के लिए। तो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, और इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी हमको कैसे मिलेगी, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी, इसको हम लोग निकालेंगे परम्स से, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट फंक्शन, और इसमें प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब एक चीज और चाहिए हमें, क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी ले लेते हैं, या तो ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे हम क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राउटिंग से, ठीक है। तो हमें यूआरएल में अपनी क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी। अगर हमको बॉडी में भेजना है तो हम बॉडी में अगर हम भेजेंगे तो यहां से एज ए बॉडी रिसीव करनी पड़ेगी, और फिर ये हम यहां से हटा देंगे। तो चलिए हम बॉडी में क्वांटिटी सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड टू कार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग डिलीट करते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए। तो डिलीट तो ये डिलीट हो गया, और प्रोडक्ट आईडी यहां से हम लोग रिमूव फ्रॉम कार्ट करेंगे, और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों एपीआईज अपनी क्रिएट कर ली हैं। और स्कीमा इज नॉट डिफाइन, ये कहाँ पे आ रहा है, कार्ट टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने मोंगोस से स्कीमा एक्सट्रैक्ट किया था डिस्ट्रक्चरिंग से, सेम टू सेम हमें यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। या आप ये नहीं करना चाहते हैं तो स्कीमा जो आपने ये लिखा हुआ है इसको मोंगोज डॉट स्कीमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी एपीआई क्रिएट हो गई है। अब इसको हम लोग पोस्टमैन में कॉल करके चेक कर लेते हैं, और डेटाबेस में वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे कार्ट कलेक्शन में अभी कोई डेटा नहीं है, और अगर हम यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे कार्ट्स के लिए,
तो यहाँ से हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इस कार्ट में कोई आइटम ऐड करना है तो हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे कार्ट में और बॉडी में हम लोग भेजेंगे क्वांटिटी, ओके। तो इसको जैसे ही हमने सेंड किया, हमारा कार्ट ऐड में डाटा ऐड हो गया। एक और प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको कार्ट में ऐड करेंगे, फाइव। अब हम लोग गेट करेंगे कार्ट को, नल आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? कार्ट में एक आइटम तो हमारा ऐड हो गया। अच्छा, सेम सेम ही ऑब्जेक्ट हमारा। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी नहीं स्टोर हो रही है, इसको डिलीट करते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को फिर से कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट को कॉपी किया और अपने राउट में दिया, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की, बॉडी में क्वांटिटी डाली है और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट हैंडलर में प्रोडक्ट आईडी हमने सेव कर रखी है, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? पोस्ट रिक्वेस्ट में प्रोडक्ट आईडी, ओके। यहाँ हमने प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल नाम रखा है, ठीक है। इसको आईडी रख देते हैं, तो आईडी से जो भी यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम होगा उसी नेम से आपको यहाँ पे फॉर्म से उठाना पड़ेगा। तो चलिए अब दोबारा ऐड करते हैं, तो इस ये हमारा ऐड हो गया। दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, इसकी क्वांटिटी टू करते हैं। अब कार्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कार्ट में दो आइटम हमारे स्टोर होने चाहिए विथ प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, राइट। अब हम गेट करेंगे एपीआई से, जब हमने गेट किया तो हमें दो प्रोडक्ट आ गए, राइट। हमारे आइटम कार्ट में दो प्रोडक्ट हैं, वो दोनों यहाँ आ गए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ तो हमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है, बट क्वांटिटी नहीं आ रही है, ठीक है। जब क्वांटिटी नहीं आ रही है तो हम कैसे करेंगे? अपने हैंडलर में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने मैपिंग कर रखी है इसमें हम लोग क्वांटिटी डालेंगे, एक्स डॉट क्वांटिटी, और इसको डालेंगे प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट आईडी है, राइट। अब ये हमें क्वांटिटी भी रिटर्न करेगा, ओके। हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, रिटर्न लाइक दिस, ये ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो क्वांटिटी और प्रोडक्ट की डिटेल दोनों हमारी यहाँ से जाएंगे। अब एपीआई कॉल करके चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है और कितनी क्वांटिटी हमारी सेव्ड है, ठीक है। अगर हमको अब इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है तो कैसे करेंगे? पोस्ट रिक्वेस्ट फिर से करेंगे और इसमें दो क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो अभी इसकी क्वांटिटी 5 है और अब 7 कर हो जानी चाहिए। तो डेटाबेस में वेरीफाई करेंगे, 7 हो गई। और अगर हमें क्वांटिटी डिक्रीज करनी है तो हम लोग यहाँ से -2 भेजेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से घट के ये 5 पे आ गया होगा, ठीक है। अगर अब हमको इसे डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे, डिलीट नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ डिलीट, 200 आया, आइटम हमारा डिलीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखते हैं, अपने पहले राउट पे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, इसको भी हमें आईडी करना पड़ेगा। अब डिलीट करेंगे, डिलीट किया और डेटाबेस से हमारा डेटा डिलीट हो गया। इस तरीके से हमारी कार्ट की एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम इसको यूआई में इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड पर। सबसे पहले हम लोग अपने कार्ड प्रोडक्ट कार्ड पे चलेंगे, तो ओपन करते हैं कोड, कंट्रोल पी, कार्ड कंपोनेंट पे, ओके। यहाँ पे हम लोग एड टू कार्ड फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम लोग एक सर्विस क्रिएट करेंगे, कार्ड सर्विस, ओके। अभी सर्विस में हम अपनी तीनों एपीआई को कॉल करेंगे जो हमने अभी जस्ट बनाई है, ठीक है। तो एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट करते हैं सबसे पहले, गेट कार्ड्स आइटम्स, तो यहां से हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे, रिटर्न एचटीटीपी डॉट गेट, और ये हमें रिटर्न करेगा एरे प्रोडक्ट का, राइट। ये कस्टम टाइप हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको कस्टम टाइप बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्वांटिटी नंबर और यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपना यूआरएल, एपीआई प्लस कार्ड्स प्रोडक्ट टाइप को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी गेट एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। और अगर हमें ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करना है, तो सेम एपीआई हमारी होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो यहाँ से ये टाइप हम लोग यहाँ से हटा देंगे। और हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हमें चाहिए क्वांटिटी जो कि हमारा नंबर टाइप का है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट आईडी इन दी यूआरएल, और क्वांटिटी हम लोग बॉडी में प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। अब रिमूव फ्रॉम कार्ट एपीआई कॉल करनी है, रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत है और बॉडी में हम कुछ नहीं भेजेंगे, और ये एपीआई मेथड हमारा होगा डिलीट, राइट। तो ये तीनों एपीआई कॉल हमारी हो गई। अब हम चलेंगे अपने कार्ड कंपोनेंट पे, जो हमारा ये ऐड टू कार्ड फंक्शन है, इस पे हम जब बटन, इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कॉल करेंगे ऐड टू कार्ड फंक्शन को, और यहाँ से हम लोग अपना प्रोडक्ट पास कर देंगे, ठीक है। और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। एक काम हमें और करना पड़ेगा, जैसे हमने विशलिस्ट में इनिट फंक्शन बनाया था कि सारी विशलिस्ट हमारी जैसे ही पेज लोड होता था, तो हम लोग सर्वर से फेच कर लेते थे, सेम टू सेम हम लोग इनिट फंक्शन बनाएंगे अपनी कार्ड सर्विस में, ओके। इनिट और ये इनिट क्या करेगा, हमारे गेट कार्ड आइटम फंक्शन को कॉल करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा आइटम्स,
एरे में, और ये एरे हमारा होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी अब यहाँ पे देखो, हमने ये जो कस्टम टाइप है इसको 2 बार यूज किया है हार्ड कोडेड यहाँ पे और अपने एपीआई कॉल पे, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रीयूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कार्ट आइटम डॉट ts। ओके, तो हम लोग यहाँ इसको क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट इंटरफेस कार्ट आइटम, और इसमें होगा हमारा प्रोडक्ट और क्वांटिटी। एक जगह होता तो हम हार्ड कोड कर लेते, बट मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है इसलिए अब हम लोग इसको रीयूटिलाइजेशन करेंगे इसका। तो अपने सर्विस में चलेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे कार्ट आइटम से, और जो हमने गेट में ये डाला हुआ है हार्ड कोडेड इसको भी हम कार्ट आइटम से चेंज कर देंगे। तो अब हमारा आइटम्स आ गया, इसमें हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे लाइक दिस। अब जब अपने होम कंपोनेंट पे जाएंगे, और जैसे ही होम कंपोनेंट में हम लोग कॉल कर रहे हैं विश लिस्ट के लिए, सेम टू सेम हम लोग अपनी कार्ट लिस्ट के लिए भी कार्ट सर्विस से इनिट कर लेंगे। कार्ट सर्विस, कार्ट सर्विस, और कार्ट सर्विस का इनिट फंक्शन हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा सर्वर से कार्ट के आइटम लोड हो जाएंगे हमारे मेमोरी में एप्लीकेशन के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो पहले तो हम यहाँ से चेक करेंगे इज इन कार्ट। ओके, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से अपनी कार्ट सर्विस को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस आइटम इस प्रोडक्ट इन कार्ट, ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, नंबर नहीं सॉरी स्ट्रिंग होगा, और तो कैसे पॉइंट करेंगे, इफ कार्ट सर्विस डॉट आइटम्स, इसमें से हम फाइंड करेंगे अगर प्रोडक्ट डॉट आई डी इक्वल टू हमारे इस प्रोडक्ट आई डी के बराबर है, ऐसा कोई भी आइटम मिल रहा है हमारे पास, एक्स डॉट प्रोडक्ट डॉट आई डी, अगर यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड आइटम्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू, इल्स हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके, अब यहाँ ऐड टू कार्ट करते समय हम चेक करेंगे इज प्रोडक्ट इन कार्ट। ओके, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कार्ट में है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम अपनी सर्विस से इसको ऐड कर देंगे ऐड टू कार्ट। तो प्रोडक्ट की आईडी हम लोग यहां से पास करेंगे और क्वांटिटी हम लोग 1 डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको हम इस बटन को डिसेबल कर देंगे, या हम लोग रिमूव कर देते हैं अगर हम ऑलरेडी कार्ट में हैं। एक काम करते हैं, हाँ ये कर देते हैं रिमूव एट द रेट इफ इज प्रोडक्ट इन कार्ट, इसमें हम लोग भेजते हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी, अगर प्रोडक्ट हमारे कार्ट में है तब तो हम लोग रिमूव आइकन दिखाएंगे। ठीक है,
हम लोग दिखाएंगे रिमूव आइकन, स्किल्स हम लोग दिखाएंगे ऐड करने का शॉपिंग कार्ट में, ठीक है। अब यहां से हम लोग अगर रिमूव का केस हुआ, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग रिमूव का फ्रॉम कार्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट, यहां से हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी। और ये करने के बाद हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अपनी कार्ट सर्विस में जो इनिट फंक्शन है दोबारा कॉल कर देंगे, जिससे कि जो हमारा एरे है वो फिर से अपडेट हो जाएगा न्यू वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं इसको यूआई पे कि कैसा दिख रहा है। इसको हमने कार्ट पे ऐड किया, कुछ प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम है, दोबारा किया, एपीआई कॉल हमारी यहाँ जा रही है। अच्छा, इसमें हमें ऐड करना है सर्विस में, यूआरएल हमने गलत दे रखा है, यहाँ पे होगा कस्टमर स्लैश कार्ट। लाइक दिस, ओके। तो इसको हम लोग कार्ट में ऐड करेंगे। जैसे ही हमको इसको कार्ट में ऐड करेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्ट में ये आइटम हमारे है, ये भी है, ये भी है। अगर हमको रिमूव करना है तो हम दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट डिटेल पे आ रहे हैं तो यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने रिमूव फ्रॉम ऐड विशलिस्ट किया है, ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये तीनों फंक्शन हमारे जो हमने प्रोडक्ट कार्ट पे क्रिएट किए हैं, इसको हमको प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी क्रिएट करने हैं। हमने कार्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट फंक्शन बनाया और इस प्रोडक्ट इन कार्ट फंक्शन बनाया, ठीक है। ये दोनों हमारे बन गए जो हमने कार्ट कार्ड पे बनाए थे। और यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे इस प्रोडक्ट इन कार्ड, और यहाँ पे हम भेजेंगे प्रोडक्ट की आईडी। अगर हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तो हम ऐड टू कार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिमूव फ्रॉम कार्ड करेंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे ऐड टू कार्ट, और इसमें भेजेंगे अपना प्रोडक्ट। लाइक दिस, ठीक है। ये कार्ट, ये हमारे कार्ट में ऑलरेडी है आइटम, तो इसको हमने रिमूव किया, ऐड टू कार्ट। आइकन लगाना है तो आइकन भी लगा सकते हैं हम लोग। आइकन हमारा है ये, ठीक है। तो HTML में चलते हैं, यहाँ पे आइकन लगाते हैं, यहाँ पे आइकन लगाते हैं, ये आइकन होगा ऐड का। लाइक दिस, ये, ठीक है। तो हमने ऐड टू कार्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, जैसे इसको हमें कार्ट में ऐड किया, ये कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जब कार्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ कार्ट के आइटम्स दिखने चाहिए, कार्ट जो भी हमारे कार्ट में है शॉपिंग कार्ट में, वो यहाँ पे आइटम्स दिखने चाहिए। चैट जीपीटी का यूज करेंगे कार्ट पेज डिजाइन करने के लिए। क्रिएट शॉपिंग कार्ट पेज विथ टेलविन सीएसएस, तो हमारा डिजाइन क्रिएट हो गया। इसको हम लोग कॉपी करते हैं,
और अपने शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट में इसको पेश कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है आउटपुट। ये हमारा पेज आ गया है, तो अच्छा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं, यहाँ डायनेमिक प्रोडक्ट डालेंगे। ओके, तो चलिए शॉपिंग कार्ट पे हम लोग अपनी सर्विस को, कार्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक सिंगल आइट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लूप करेंगे एट द रेट फॉर लूप कार्ट सर्विस डॉट आइटम्स। ठीक है, और इसको हम लोग फॉर लूप के अंदर लगा दिए। ठीक, इसको चेंज करते हैं प्रोडक्ट। अब इसको बार बार में कार्ट सर्विस ना यूज करना पड़े, कार्ट सर्विस डॉट आइटम, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक गेटर फंक्शन बना देते हैं, गेट आइटम्स। ये गेटर हो गया जो रिटर्न करेगा हमारा कस्टमर डॉट आइटम्स को। ठीक है, इस डॉट, तो यहाँ हम लोग सिर्फ या चेंज करते हैं इसको कार्ट आइटम्स, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे कार्ट आइटम से। अब देखते हैं यहाँ कितनी बार आ रहा है। अब जब हम कार्ट पेज पे हैं तो हम पेज हमारा रिलोड हुआ, कार्ट हमें एनजी ऑन इनिट पे कार्ट आइटम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एनजी ऑन इनिट, क्योंकि जब हमारा पेज लोड होता है तो डेटा लॉस हो जाता है। तो कार्ट सर्विस डॉट इनिट फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, जिससे कि सर्वर से हमारा कार्ट आइटम आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट हमारी जा नहीं रही है, क्यों? अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, एनजी ऑन इनिट। अब रिक्वेस्ट हमारी कार्ट पे गई और हमारे पास तीन प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पे तीन बार आ गया। अब हम इस प्रोडक्ट पे डायनेमिक रियल वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, तो हमें इमेज दिखाना है। यहाँ पे हमारा आएगा प्रोडक्ट डॉट इमेज, फर्स्ट इमेज हम प्रोडक्ट की यहाँ पे दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको आइटम ही रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आइटम डॉट प्रोडक्ट है, राइट, डॉट इमेजेस 0th इमेज, यहाँ पे आइटम, इसको इंटरपोलेशन यूज करेंगे, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम, यहाँ पे प्राइस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी, नेम को थोड़ा चेंज कर स्मॉल करेंगे। और एक काम करते हैं, ये जो बटन्स हमने डिजाइन से एसवीजी आया है इसको भी हटा देते हैं, अभी सिर्फ हम लोग क्वांटिटी दिखाएंगे। ठीक है, और ये क्वांटिटी में जो हमने क्वांटिटी डाला हुआ है, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, तो एक ड्यू बनाएंगे, तो वहाँ पे स्पैन के अंदर
क्वांटिटी डालते हैं और इसको यूज करते हैं क्लास फ्लेक्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। सही है। अब यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, रियल प्राइस हमें दिखाना है। ठीक है, तो जैसे हमने कार्ड पे कैलकुलेशन कर रखा है, कार्ड पे, राइट, ये कैलकुलेशन, ये इसको हम लोग यूज करेंगे अपने कार्ट आइटम पे। ये होगा हमारा आइटम डॉट प्रोडक्ट, आइटम डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस फंक्शन बनाया था, ये और ये फंक्शन होगा, गेटर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, इसमें हम भेजेंगे कार्ट आइटम, सॉरी आइटम डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा शॉपिंग कार्ट के आइटम शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड, अपडेट, इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन हमें यहाँ पे देना चाहिए कि अगर किसी को टू क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करनी है तो वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये यहाँ पे हम लोग देंगे एक स्पैन प्लस माइनस और एक प्लस। क्लास लगाएंगे मार्जिन और देते हैं यहाँ पे, इस पे क्लास लगाएंगे टेक्स्ट एलजी बीजी ग्रे बॉर्डर राउंडेड स्मॉल। और इसमें देते हैं पैडिंग या विड्थ देते हैं डब्लू लाइक दिस, W5 या इसकी जगह पे पैडिंग दे दे सकते हैं। पैडिंग दे के देखते हैं, बेसिकली हम बटन का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 px py2 रहेगा और px हम लोग देते हैं 3। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया और इसमें हम लोग आइटम्स सेंटर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रिएट हुआ। थोड़ा सा शैडो देते हैं, शैडो अब ये बटन का डिज़ाइन लग रहा है जैसे कि कोई बटन हो, तो कर्सर पॉइंटर करेंगे, अब इसके नीचे हमें यहाँ टोटल प्राइस देना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक एक आइटम का प्राइस है। अगर हमने यहाँ से, पहले तो हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, राइट। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंक्रीज ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये फंक्शन क्रिएट किया अपनी कार्ट सर्विस से, ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, प्रोडक्ट
आईडी, स्ट्रिंग और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करना है ये मिलेगा। दोनों को हम लोग यहाँ से पास करेंगे, क्वांटिटी, और इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग अपने आइटम्स में, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग इनिट फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे कार्ट सर्विस का, कार्ट सर्विस डॉट इनिट ये फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे। तो पहले तो देखते हैं हमारा इंक। अब हम लोग इस प्लस आइकन से कि जो हमारा क्लिक है, एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, इस पे ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल करेंगे, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी और क्वांटिटी एक से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और माइनस के केस में हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने के लिए माइनस वन। इसको प्लस किया, जैसे हम प्लस कर रहे हैं सर्व एपीआई कॉल जा रही है और हमारा आइटम इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करने पे हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाना है, तो उसके लिए हमने प्राइस दिखाया, यहाँ पे एक ड्यू लेंगे, टोटल अमाउंट, और जो टोटल अमाउंट होगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हमारा एक आइटम का सेलिंग प्राइस आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आई क्वांटिटी से, ओके, आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसको राउंड ऑफ करेंगे मैथ डॉट राउंड, चलिए अभी राउंड नहीं करते हैं, शायद हमें ज़रूरत नहीं भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सेलिंग आइटम हमारा ऑलरेडी राउंड ऑफ है। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ये, या इसको टोटल ना करके सिर्फ अमाउंट कर देते हैं कि ये हमारा आइटम अमाउंट हो गया। जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया हमारा टोटल अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ कार्ड सर्विस में क्या करेंगे, इस पूरे टोटल का जो है उसका हम यहाँ पे सम दिखाएंगे, ठीक है, समरी में टोटल अमाउंट फंक्शन एक बनाएंगे, ठीक है, या प्रॉपर्टी ही सिर्फ गेटर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, रिटर्न गेट गेटर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट जीरो, और इसी अमाउंट को रिटर्न करेंगे हम यहाँ से। अब सम करना है तो हम लोग कार्ट आइटम्स एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप, ये फॉर लूप हमारा चलेगा कार्ट आइटम्स पे, ठीक है, जितने भी हम क्या करेंगे सम करेंगे अमाउंट का, बेसिकली हम पूरा टोटल अमाउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे कार्ट एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट और हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्वांटिटी, एक एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल लिया और जितनी क्वांटिटी है उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल सम हमने सारे आइटम्स का निकाल लिया। अब ये हम यहाँ शो करेंगे, इसको हम लोग इंटरपोलेशन से शो करेंगे लाइक दिस। इस तरीके से हमारा कार्ड पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाती है तो हमको रिमूव कर देना चाहिए आइटम को, ओके। तो अपनी एपीआई में जाएंगे,
जहाँ पे ऐड हैंडलर है हमारा, ऐड टू कार्ट हैंडलर है, यहाँ पे हम क्या चलें चेक करेंगे, इफ प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है प्लस जो नई क्वांटिटी आई है, दोनों का सम जीरो हो रहा है, राइट, यानी हम डिक्रीज कर रहे हैं, तब हमें रिमूव फ्रॉम कार्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ हम लोग भेज देंगे, इसको अवेट कर लेते हैं, इल्स हम लोग अपडेट करेंगे क्वांटिटी को। चलिए चेक करते हैं, जैसे हमने किया ओके, इक्वल टू जीरो लगाएं या हम लोग बेटर रहेगा लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए किसी भी तरीके से। तो जैसे इसको किया हमने, ये हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यस प्रॉब्लम है, हमको यूजर आईडी भी तो भेजनी है यहाँ से, यूजर आईडी, हमारा ये जो फंक्शन है रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसको यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों चाहिए, ठीक है। तो इस बार जैसे हम करेंगे रिमूव हो गया, इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस बार जैसे ही हमारा जीरो होगा ये हमारे कार्ट से डिलीट हो जाएगा, ये हमारे कार्ट में नहीं है, इसको हमने कार्ट में ऐड कर लिया, कार्ट में यहाँ गए तो ये हमें शो हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने अपना कार्ड, शॉपिंग कार्ड क्रिएट कर लिया। अब बाय बटन हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट हो जाएगा, जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे हमारा ये ऑर्डर बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट हेयर और यू कैन सेंड मैसेजेस ऑन इंस्टा और ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।